तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज मैं बताने वाला हूं कि आपको सेक वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। जैसे आप यहां पे साइड में वीडियो देख पा रहे हो, मैं ऐसे एडिटिंग बताने वाला हूं और ये एडिटिंग काफी सिंपल होती है। और अगर आप इस एडिटिंग को करके कहीं पे वीडियो पोस्ट करते हो, या फिर पहले तो टिकटॉक चल रहा था, अब यहां पे इंस्टाग्राम रील चल रहा है और कई सारे एप्लीकेशन है जिसपे आप ये वीडियो पोस्ट कर सकते हो, तो अगर आप इस तरीके से एडिट करके वीडियो पोस्ट करते हो तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगती है और आपकी वीडियो काफी ज्यादा मस्त लगती है, जिससे कि आपकी वीडियो वायरल होने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। तो यार, ये वीडियो एडिट करने के लिए काफी पर्सन मेरे को कमेंट कर रहे थे कि यार ये वाली वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और आपका स्वागत है शिवम रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो लेके आता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की वीडियो एडिटिंग करने के बाद किसी अपनी वीडियो को आप यहाँ पे रील्स पे पोस्ट करते हो, या फिर एमएक्स टकाटक पे पोस्ट करते हो, या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप पोस्ट करते हो, तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा कूल लगती है और आपकी वीडियो वायरल होने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। तो यार, ये वीडियो एडिटिंग करना काफी आसान है और इसके लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है काइंड मास्टर। तो यार, अगर आपको नहीं पता है कि काइंड मास्टर कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको पता होगा कि प्ले स्टोर पे से करना है, पर अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको प्रोमोड कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए ऊपर ऐप नंबर वीडियो दी गई है, वहां से जाकर आपको वीडियो देख लेनी है और आपको पता चल जाएगा कि काइंड मास्टर का प्रोमोड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी फोन की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है। पूरी एडिटिंग बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी फोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने काइंड मास्टर पे और काइंड मास्टर पे आने के बाद 9.16 रेशो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है गैलरी पे और गैलरी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी वीडियो का आपको यहाँ पे सेक इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो पे सेक इफेक्ट लगाने वाला हूँ। उससे पहले ऑडियोस का अलग करके, और हाई लो ऑडियो होता है जो मतलब हाई भी हो जाता है लो भी हो जाता है, तो वो भी मैं इसमें बता देता हूँ पहले। तो ये चीज़ हमारी है, तो यहाँ पे मेरे को आगे वाला हाई चाहिए और पीछे वाला लो चाहिए, तो ऐसे करके यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे बीच में आपको ऑडियो अलग कर लेना है। उसके बाद ऑडियो पे टैप करने के बाद आपको सीजर पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होने वाला है आपका, इसमें आपको जो वॉल्यूम है उसको लो कर लेना है, वॉल्यूम पे जाके आपको लो कर लेना है। और सेकंड वाला जो पार्ट है, इसके आपको वॉल्यूम को बढ़ा लेना है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे जब आप वीडियो चला के देखोगे, आपको जब समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब मेरे को करना है, सेक इफेक्ट अब मेरे को लगाना है। तो वीडियो पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक सेक इफेक्ट देना है, तो सीजर पे जाता हूँ। सीजर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक बीच में कट लगा लेता हूँ। कट लगाने के बाद आपको यहाँ पे टैप करना है बीच में, और टैप करोगे तो आपको चले जाना है नीचे के साइड। तो नीचे साइड जाने के बाद आपको यहाँ पे गेट मोर पे क्लिक करना है, क्योंकि सेक इफेक्ट के लिए आपको गेट मोर पे क्लिक करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका 3D वाला आ रहा है और उसके बाद आपका आ रहा है एक्शन। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है एक्शन वाला, आपको उस पर चले जाना है। तो आपको ऊपरली साइड जाना है, ऊपर के साइड पर आपको सेक इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऊपर के साइड जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सेक इफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, सेक इट। तो इस पे आप जाओगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस पर टैप करोगे, उसके बाद जो थर्ड वाला है और फोर्थ वाला, ये ज़्यादा बेस्ट है। पहले दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो, पर जो थर्ड फोर्थ है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा लगने वाला है। तो पहले मैं वीडियो को अपना थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे जैसे आप इसको टैप करोगे तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा आया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सेक इफेक्ट आपको देखने के लिए मिला। और अगर आपको हाई चाहिए तो आपको वीडियो लंबी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कट लगा लेता हूँ, और कट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे वही वाला सेक इफेक्ट लगाता हूँ। तो इस बार मैं फोर्थ वाला लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ये काम कर रहा है। तो मैं वीडियो जैसे चलाता हूँ तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ, थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर यहाँ पे ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सेक इफेक्ट के जैसा एक और है जो मेरे को नहीं मिला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पे थर्ड में लगा के मैं आपको वही चीज़ दिखा देता हूँ कि वो यहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो वो सेक इफेक्ट जैसे ही, पर थोड़ा सा इसमें अलग है। तो यहाँ पे तो नहीं है अपना, तो मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे फिर से मेरे को कट लगाना पड़ेगा। तो कट जैसे मैं कट लगाता हूँ, अभी ये ग्लिच वाला है, तो ग्लिच वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फोर्थ दिए गए हैं, इसमें चार तरीके से आपकी ग्लिच दिखाई जाएगी। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा मेरे को।
मतलब सेक इफेक्ट जैसे ही है, पर थोड़ा सा ये है कि ये ग्लिच वाला है तो ये थोड़ा सा अच्छा वर्क कर रहा है और सेक इफेक्ट भी अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रही है और आप इसी तरीके से एडिट कर सकते हैं अपनी वीडियो को, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है आपको यहाँ पे भी कट कर देना है। जैसे कि यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, मैं आपको एक बार और वीडियो दिखा देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है कि ऐसी बन गई है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, आप ऐसे ही करके कई सारी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकते हो और वायरल हो सकते हो रातों रात। समझ रहे हो? तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से काइनमास्टर का यूज करके ऐसी वीडियो एडिट कर सकते हो और आपकी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी, जैसे कि मेरी वीडियो काफी बेस्ट लग रही है। तो यार, आपको भी इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे जो कि अपनी वीडियो को एडिट कर लेना है और आपको जो जो मैंने चीज यहाँ पे बताई बिल्कुल उन चीजों को ध्यान रखना है और आपकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनको कमेंट कर सकते हो, और अगर आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आता तो आप इनको इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।